आर्यन्स कॉलेज के यूनिक कंसेप्ट ग्रेजुएशन प्लस कंपटीशन के प्रथम परिणाम में ही हुआ बम्पर सिलेक्शन। आर्यन्स कॉलेज की बीए की छात्रा सोनाली राजपूत का प्रथम प्रयास में ही हुआ डिप्टी कलेक्टर पद पर चयन। तो आपके पास भी है सुनहरा मौका अपने सपनों को साकार करने का। आप भी ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी एमपीपीएससी एवं अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि आनंद जादौनसर के संकल्प और कड़ी मेहनत से इंडिया के टॉप फैकल्टी अब आपके शहर ग्वालियर में। तो आइए सुनते हैं हाल ही में डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित सोनाली राजपूत ने क्या कहा। जैसा कि आपको पता ही है, मेरा नाम सोनाली राजपूत है। मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई बायोलॉजी से कंप्लीट किया था। उसके पश्चात मैंने पहली बार सेमिनार में गई थी मैं जादौनसर के। तब जादौनसर से पर्सनल मिली थी, उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा कॉन्सेप्ट भी अगर आप बीए करते हो तो आपको इसके अंदर ये वाली तैयारी कराई जाएगी पीएचडी की। तो तभी से मैंने डिसाइड किया कि चलो बहुत टाइम हो गया, छोड़ते हैं बायो, आते हैं, रिस्क लेते हैं। और सर ने जैसा कि बोला कि 21 साल प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, तो मैं उस सही डायरेक्शन सर का मिला और तब से मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी 2014 के बाद से। उसके पश्चात लंबा समय अंतराल रहा। 2019 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, जिसके लिए मेरा इंटरव्यू कॉल भी आया था। हालांकि आप सभी जानते हैं कुछ सर्कमस्टेंसेस रहे थे, प्रॉब्लम्स रही थी, जिस कारण क्या हुआ था डिले हुआ है। उसके बाद 2020 में दिया तो उसके लिए इंटरव्यू कॉल आया मेरा। तो कल शाम के रिजल्ट आने से पहले मैं सोच रही थी कि मैं इंटरव्यू पे फोकस करूं कि 20 में वाला मेंस करूं, क्या करूं मैं यही सोच रही थी। लेकिन जब मुझे कॉल आया और ये बोला कि आपको एसडीएम का पद मिला है, पहली बार तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था बिल्कुल भी यकीन नहीं था। और जब जैसे पता चला मुझे, तो उसके बाद तो सब ड्रीम्स जैसा लग रहा है कि जो इतने लंबे समय से देखा गया था वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो मेहनत है, आपको मेहनत बहुत अधिक करनी चाहिए। दूसरी चीज, जल्दी करें एडमिशन के लिए, कुछ ही दिन शेष, आज ही कॉल करें 9425121218 पर या विजिट करें जादौन IAS झवर स्टेट 34 या कृष्ण टावर फूलबाग पर।